देखो नेक्स्ट में द एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सब्टेंड एट द सेंटर। देखो पहले तो इसमें देख लो कि आर्क एंगल कैसे बनाती है। ये आपके पास सेंटर है, अगर आपके पास ये ए बी कोई आर्क है तो एंगल सब्टेंड बाय आर्क ए बी एट सेंटर। ठीक है, इसका मतलब है कि ए बी आर्क जो सेंटर पर जो एंगल बनाएगी उसका वो आप कैसे लोगे, तो आपने सेंटर से ये जो आर के एंड पॉइंट है इनको ज्वाइन कर देना है, ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल ए ओ बी, इस एंगल को हम बोलते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल वन, ये जो एंगल है ये आर्क ए बी ने सबटेंड किया है एट द सेंटर, ये मतलब होता है। ठीक है, एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर, दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। आर्क ए बी जो है सेंटर पर एंगल को सबटेंड कर रही है, तो एंगल वन जो है, ठीक है, यानी कि आपने जो आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर के साथ मिला दिया, ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस, तो ये जो एंगल बना इसका मतलब इसको एंगल को बोलते हैं हम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो देखो यहां पर आपके पास द एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये आपके पास सर्कल है। ठीक है, इफ दिस इज अ सेंटर और आपके पास ये आर्क आ गई ए पी बी, ए पी बी आर्क, तो ए पी बी आर्क जो एंगल बना रही है सेंटर पर, ये जो ए पी बी आर्क एंगल बना रही है, ठीक है, क्या एंगल बना रही है, ए ओ बी। द एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर, ये जो ए पी बी आर्क का जो सेंटर पर एंगल बना रही है, विच इज, ठीक है, डबल, ये जो एंगल होगा ये डबल होगा, ठीक है, दैट विच इज सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल मैस। ठीक है, जो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा इस पर ये आर्क जो एंगल बनाएगी, रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी ले लो, मान लीजिए पॉइंट ले लिया आपने, ये जो पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये इस एंगल का डबल होगा। ठीक है, तो आ जाओ गिवन के आपके पास, देखो सेम आर्क की बात करें, ए पी बी आर्क ही सेंटर पर एंगल बना रही है और ए पी बी आर्क ही किसी और पॉइंट जो है सर्कल की सर्कमफेरेंस पर वहां पर एंगल बना रही है, दोनों के लिए आर्क सेम है, ये ध्यान रखना, आर्क अलग अलग होनी चाहिए, दोनों के लिए आर्क सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर आपके पास गिवन क्या है, यहां पर आपके पास गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, और यहां पर जो आपके पास है आर्क ए पी बी, ये जो आर्क आपके पास ए पी बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर एंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी बी एट पॉइंट सी, ठीक है, एट पॉइंट सी ऑन द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। देखो इन थ्योरम्स को ढंग से अंडरस्टैंड कर लेना, थ्योरम्स अंडरस्टैंड भी तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहां पर इन्होंने क्या लिखा था, आपके पास एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और यहां पर इन्होंने पूछा जो आर्क है ए पी बी जो सर्कल पर एंगल सबटेंड कर रही है, यानी कि ये सर्कल सेंटर पर क्या एंगल सबटेंड कर रही है, आर्क ए ओ बी, ये लिखा है उन्होंने, एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर, एट द सेंटर इज ए ओ बी, इज डबल, ये डबल होगा, ये एंगल डबल होगा, दैट विच इट सबटेंड, यही आर्क जो है वो सबटेंड करेगी एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, ये जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कमफेरेंस का ये आर्क आ गई, इसके अलावा रिमेनिंग पार्ट के बचा, इसके अलावा यही बचा आपके पास रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, इस पर कहीं और जो पॉइंट होगा यहां जो एंगल बनेगा, यानी कि एंगल
ए सी बी का ट्वाइस होगा, ये आपने इसमें प्रूफ करना है। ओके, ये चीज हमने अलाउ प्रूफ में, तो प्रूफ जरूरी नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास एक, मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। मे बी दिस पॉइंट इज, मैंने सी डी को ही लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, अब आ जाओ, इसको मैं एंगल वन मान लेता हूँ, इसको टू, इसको थ्री, ये फोर, ये फाइव मान लिया मैंने, और ये एंगल मैंने सिक्स मान लिया। मैं ऐसे प्रूफ करूंगा, मुझे इजी रहेगा, आपको भी इजी रहेगा। देखो इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी में देख लो आपके पास कुछ ट्राइंगल ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ओ एंड दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज सी एंड दिस एंगल इज वन थ्री एंड फोर। तो यहां से लिख सकता हूं मैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस फोर, ठीक है, क्यों? ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यही होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ओ सी एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स लिख सकते हैं, सेम रीजन। ओके, सेम रीजन आएगा। आप यहां पर एक चीज देखो, एओसी ट्रायंगल में ओसी और ओए इक्वल है, ठीक है, ओए एंड ओ सी आर इक्वल है, तो ओपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद में लिखना, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री जगह एंगल फोर लिख दूं, क्यों है ये? ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल इक्वल है, तो उसकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है। ये एंगल वन क्या आ गया, टू एंगल फोर। मैंने एंगल फोर इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहां पर एंगल फोर की जरूरत है, एंगल थ्री की नहीं है। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ओ सी आपके पास एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स हो जाएगा, एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फाइव प्लस एंगल फाइव, एंड दैट इंप्लाइज एंगल टू इज इक्वल टू टू एंगल फाइव। ये दो चीज आ गई, नंबर वन एंड नंबर टू। ओके, आ जाओ मैं यहां कर रहा हूं एड एड इक्वेशन वन एंड टू। एड इसलिए कर रहा हूं, अगर मैं वन और टू को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एंगल ए ओ बी। ओके, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू टू एंगल फोर प्लस टू एंगल फाइव। तो ये क्या आ गया, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू टू कॉमन एंगल फोर प्लस एंगल फाइव। तो ये क्या आ गया, एंगल वन प्लस एंगल टू इज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एंगल फोर प्लस एंगल फाइव एंगल ए सी बी, हेंस प्रूव। ये हमने इसको प्रूव कर दिया, ये इसका इसका प्रूफ आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन में हमेशा इस तरह में ध्यान रखना है कि जब एक आर्क, सेम आर्क की बात करें, सेम आर्क ए पी बी आर्क, ए पी बी आर्क ही सेंटर ट्रायंगल बनाएगी, और ए पी बी आर्क ही कहीं जो जमेनिंग पार्ट है सरकमफ्रेंस का, ठीक है, वहां पर जो एंगल बनाएगी, तो ये सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होगा। अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो ये 30 डिग्री एंगल होगा। ओके, अगर ये 50 है तो ये 100 होगा। ये आपने ध्यान रखना है इस थ्योरम में कि जो आर्क है, सेम आर्क की बात करें, अगर ये जो सेम आर्क है ये सेंटर पर जो एंगल बनाती है और किसी और पार्ट पर जो एंगल बनाती है,
ठीक है, तो हमेशा सेंटर वाला एंगल जो होता है वो ट्वाइस होता है इस एंगल का, ठीक है। तो सेंटर वाला एंगल जो होगा वो ट्वाइस होगा हमेशा उस एंगल से जो किसी और पार्ट पर बनेगा। देखो नेक्स्ट थ्योरम आपके पास, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, क्या मतलब है इसका? ये आपके पास सर्कल, दिस इज सेंटर, ठीक है। लेट ए पी बी इज एनी आर्क, ओके। ए पी बी के है आपके पास कोई आर्क है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, देखो ए पी बी एक आर्क ये होगी, एक सेगमेंट ये बन जाएगा नीचे वाला, ठीक है, या हमें ज्वाइन नहीं करना है। तो ये एक सेगमेंट बन गया, ये दूसरा सेगमेंट बन गया। तो ये बोल रहे हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, यानी कि या फिर एंगल यहां बनेंगे दोनों, ठीक है, या फिर एंगल इस सेगमेंट में बनेंगे, तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये, ओके, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, यानी कि एक पॉइंट मान लीजिए ले लिया मैंने दिस एंगल, दिस पॉइंट इज सी, एंड टेक अनदर पॉइंट यहां ले लिया मैंने, दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं आपको एंगल इन सेम सेगमेंट, यानी कि ये जो एंगल है, दिस एंगल वन एंगल टू आर इक्वल, ये आपने इसमें इक्वल प्रूफ करने हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, एंगल इन द सेम सेगमेंट की बात करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना कि आपने चेक कैसे करना है एंगल इन द सेम सेगमेंट। देखो आप ये भी मैं ड्रॉ करूं दिस सेंटर, ठीक है, ये देखने में फिगर सेम है, देखो ये और ये देखने में सेम है, पर यहां पर एक बात ध्यान, इस एंगल की जो आर्क है, इस एंगल की आर्क है ये ए बी, ठीक है, और जो इस एंगल की आर्क है वो है ए सी। तो एंगल वन की आर्क है यहां पर ए बी, जो एंगल वन की आर्क है, और जो एंगल टू की आर्क है वो है आर्क ए सी। तो दोनों की आर्क अलग अलग है, दोनों के सेगमेंट ये अलग अलग हुए, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, इसका ध्यान रखना। ये एंगल वन इज नॉट इक्वल टू एंगल टू, ठीक है। तो जब भी ये एंगल बराबर करने हैं तो ध्यान रखना कि दोनों की आर्क सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो एंगल बन रहा है सी और जो एंगल डी बन रहा है, देखो एंगल सी ए पॉइंट और बी पॉइंट से आ रहा है, एंगल डी ए पॉइंट और बी पॉइंट से आ रहा है, तो दोनों के लिए आर्क सेम होनी चाहिए, तब जो एंगल बनेंगे उन एंगल्स को बोलेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो आ जाओ इसमें आपके पास क्या गिवन है, ठीक है। देखो यहां पर आपके पास गिवन है, ये सेंटर ले लो ओ, ठीक है, अ सर्कल विद सेंटर ओ। आपने यहां पे एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ है, और आपने क्या ले ली, ठीक है, ये जो एंगल है कौन से, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, ये जो आपके पास ए डी ए सी बी और जो ए डी बी, ये जो दो एंगल हैं ये क्या हैं, आर इन द सेम सेगमेंट। लग गया बता आपको सेम सेगमेंट में कैसे देखना है, आपको एंगल सी देखना है, एंगल सी किन दो आर्क से बन रहा है, और एंगल डी किन दो किस आर्क के दो पॉइंट से बन रहा है, एंगल सी किस आर्क के किस दो पॉइंट से बन रहा है, और एंगल डी आर्क के किस दो पॉइंट से बन रहा है। अगर वो दोनों सेम है तो हम बोलेंगे वो एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में। ये आपने देखना है, एक बार फिर सुन लो, एंगल सी का जो आर्क है वो है ए बी, एंगल सी बनाने के लिए हम आर्क ए बी का यूज कर रहे हैं, एंगल डी बनाने के लिए हम आर्क ए बी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों एंगल की आर्क सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों एंगल की आर्क सेम है तो हम बोलेंगे ये एंगल क्या है, इन सेम सेगमेंट है, ठीक है। आ जाओ जी कंस्ट्रक्शन में, देखो मैं पिछले थ्योरम का यूज करूंगा। कंस्ट्रक्शन में आप ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। आ जाओ प्रूफ, देखो प्रूफ में इस एंगल को मैं लिख रहा हूं एंगल थ्री, देखो एंगल थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल वन एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टू लिख सकता हूं, क्यों, एंगल पिछली थ्योरम थी, एंगल एट द सेंटर इज
ट्वाइस द एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ठीक है, एंगल थ्री जो है वो सेंटर पर एंगल बन रहा है और एंगल वन जो है किसी और पार्ट पर एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरे सर्कमफेरेंस की किसी और पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है। वैसे एंगल थ्री जो ट्वाइस हो गया एंगल टू से, सेम रीजन अभी थ्योरम नंबर वन की थी, ये दोनों इक्वल है तो यहां से मैं लिख सकता हूँ ये नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू फ्रॉम वन एंड टू। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगी, टू एंगल वन इज इक्वल टू टू एंगल टू, टू से टू कट गया तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू आ गया। यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है, लग गया पता, यहाँ लिखना है टू प्रूफ, हमने लिखा नहीं टू प्रूफ, क्या करना था आपको कि एंगल वन और एंगल टू आपस में क्या है इक्वल है, ये आपने प्रूफ करना था, ये हमने इसमें प्रूफ कर दिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट थ्योरम है द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये आपके पास सर्कल है, दिस इज सेंटर। ठीक है, एंड लेट ए बी बी अ डायमीटर एंड ओ इज सेंटर, एनी एंगल दिस इज सी, एनी एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो आपको यहां पर प्रूफ करना है कि जो एंगल ए सी बी जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। देखो गिवन, गिवन में क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड मैंने मान लिया ए बी, यहां पर क्या है ए बी इज, ए बी आपके पास क्या है डायमीटर है और एंगल ए सी बी, ठीक है ये क्या है इज द एंगल इन सेमी सर्कल। आ जाओ टू प्रूफ, टू प्रूफ है करना एंगल इन सेमी सर्कल, यानी कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपने ये प्रूफ करना है। आ जाओ जी प्रूफ, देखो प्रूफ में मैं लिख सकता हूं, देखो आर्क ए पी बी, ए पी बी आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है एओबी, सेंटर बन रहा है यहां पर, बस रेडियस सीधे हो गए हैं, पहले थोड़े से नीचे थे। ठीक है, तो ये आर्क ए पी बी जो है सेंटर पर क्या एंगल बना रही है ये। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, क्योंकि आर्क जो ए बी बी है सेंटर पर ये एंगल बना रही है। ठीक है, और यही आर्क जो है वो किस सर्कमफेरेंस के अदर पार्ट पर ये एंगल बना रही है। ठीक है, तो ए ओ बी क्या होगा ए सी बी का ट्वाइस होगा थ्योरम नंबर वन से। ठीक है, थ्योरम नंबर वन से तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एंगल, ये जो एंगल है एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल एट एट एनी अदर पार्ट ऑफ द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। लिख सकते हैं ये आपने अभी थ्योरम नंबर वन की थी, दिस इज थ्योरम नंबर वन, एंगल जो आर्क ए पी बी है जो सेंटर पर एंगल ये बनाएगी वो ट्वाइस होगा जो किसी जो रिमेनिंग पार्ट पर जो पॉइंट होगा सर्कमफ्रेंस के रिमेनिंग पार्ट पर जो पॉइंट होगा उस एंगल से डबल होगा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। लिख सकते हैं ये, देखो अब एंगल ए ओ बी कितना आपके पास 180 डिग्री, ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है लीनियर पेयर था तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये, एंड 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, 2 2 कट गया कितना है 90 डिग्री, तो एंगल ए सी बी कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। तो एंगल एट द सेंटर ऑफ
एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया।